ये ये देखें जी वैसे दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है हाल भाई है ना ट्रैक्टर भी आ ही है अस्सी हजार बजाते खुद आठ लाख चौबीस हजार दो सौ अठहत्तर की क्या करना <laughs> अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू एन अदर डे तो भैया जी बहुत ही कोल्ड कोल्ड डे है और बहुत ही सर्दी का जोर है और मेरे तो सुनने में आया है कि दो हज़ार तेईस में सूरज रह गया है धूप निकली नहीं है तो अल्लाह ताला धूप दें जी ताकि ये सर्दी का जोर कम हो और ये हमारी फ़सलें वगैरह भी थोड़ा बेहतर हूँ ये देखें जी फसलों की हालत भी सर्दी की वजह से बहुत ही नासाज़ है तो हम लोग जी कर चुके हैं पैदल मार्ग मेन रोड पर इस वक्त मौजूद हैं और आपको ट्रैफिक भी दिखाते हैं और बड़े बड़े ट्रक भी ये देखें जी ये इतना ज़बरदस्त जी इतना वज़न लादा हुआ है जी ट्रक के ऊपर और खूबसूरत माहौल है सर्दी का जोर है बाकी चास है इनशाला तो लाला जी गर्दी भी घाट थी ये रात को थोड़ा बहुत धुंध आ जाता है लेकिन इस टाइम धुंध नहीं होता और इस वक्त माशाल्लाह से बहुत ही ख़ूबसूरत वर होता है इसी तरह देखें जी ये 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 देखें जी <laughs> ये भी इंजॉय कर रहे हैं मेन रोड पे और हम इनके साथ साथ हैं इन खूबसूरत माहौल जी हमारे गांव का और ये देखें जी रोड है माशाल्लाह से और मज़ा आ जाता है जी ये देखें लाइट्स ऑन करें जी ये देखें जी आ, ये जब पास से गुजरते हैं ना इतनी ज़्यादा हवा आती है और बहुत ज़्यादा हवा आती है माशाल्लाह जी ये देखें जी खूबसूरत माहौल जी साड़े इलाके का है माशाल्लाह जी ये देखें जबरदस्त जी जबरदस्त ये देखें जी माशाल्लाह जी ये देखें आजकल बहुत ज्यादा जी ये इतनी ज्यादा गर्म हवा यहाँ से निकलती है और इस वक्त कोई टाइम हो रहा है क्या टाइम चुनाव मुलेर बारहा बारा तो दो, 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 दो। दो। किताब कर रहे थे और ये डायरी आप लोग देख रहे होंगे वैसे दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है लेकिन इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ना वो देख के आंखें जो है ना वो क्या कहते हैं एक बार खुल जाती हैं तो माशाल्लाह से जी खूबसूरत माहौल है इधर का मुलेर सर नाल खड़े सर्दी लगी खड़ी है एक ट्रैक्टर इंशाल्लाह जी आया हुआ है तो हमने जी प्याज म्याज वसल शसल काश करना लेकिन मौसम बड़ा प्यारा हो गया है और ये देखें कणी कणी आ रही है बारिश ये देखें जी और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मेरे अल्लाह यहाँ पे बारान रहमत नाजुल फरमा यहाँ पे बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है

सूरज कितने कितने चिटका कोई नहीं, निक था, कोई नहीं निक थी। जेरी सर्दी री रफ्तार है ना पाजी बहुत ज्यादा यहां पे जी सर्दी है तो आज ये आप देख रहे होंगे जी डेरी हमने उठाई हुई है डेहरी क्यों उठाई हुई है ये अभी आपको दिखाते हैं तकरीबन कोई छः कुमह जी हमने कपास का की थी तो उसके बाद जी सब मसरूफ़ हो गए थे हम लोग अपने फिर दोबारा गंदों में तो हिसाब किताब नहीं किया था तो आज हमने अभी हिसाब किताब फाइनल कर लिया है और हिसाब किताब भी आपको दिखाते हैं यकीन करें जी आंखें जो है ना खुल जाती हैं जो हिसाब किताब हैं अब यहाँ से मुझे आइडिया होता है कि मेरे इलाके का जो काश्तकार है या जो ज़मींदार लोग हैं वो कितना ज़्यादा आ, अपनी जो ज़मीने हैं उन पर उनकी जो अफसर्दगी है वो कितना ज्यादा है उनकी जो नाराजगी है वो कितना ज्यादा है क्यों लोग जो है ना इतना ज्यादा तंग आ गए हैं ये जो है ना बहुत बड़ी वजह है वजह क्या है जी आपको दिखाते हैं ये जी हिसाब किताब है जी आप देख सकते हैं कोई पाँच से छः कुमां हमने कपास काश की थी ये जी टोटल खर्चा है यहाँ पे आ, दो लाख इकसठ हज़ार सात सौ बीस का फिर टोटल खर्चा है जी पहाड़े वाली पे जिसको हम लोग बनी बोलते हैं वहाँ का जी दो लाख छियाठ च्छा, छियासठ च्छा, हजार एक सौ बीस और टोटल कपास चुनाई जो यहाँ की है वो बासठ हजार तीन सौ अस्सी है और टोटल चुनाई जो बस्ती हमारी पाड़े वाली में कपास थी उसकी 19560 चुनाई थी तो जी मुख मुका के अगर टोटल अगर हम हिसाब किताब की बात करें जी छः एकड़ का खर्चा है छः लाख नौ हज़ार सात सौ अस्सी और ये छियालीस हज़ार दो सौ हम लोग भूल गए थे ये बीज भी इस खर्चे में ऐड होना है ये हमने फिर यहाँ पे आगे ऐड कर दिया था तो जो टोटल कपास हुई है जी आठ की और छे कुमार जानी एकड़ में से जो मैं लाइक एक जिम्मार होते हुए मकसद जमीन होने के नाते कुछ चौरासी हजार एक सौ उन्ंजा रुपया बचे और शक्लो <laughs> जेरे बेचारे हाल इतना शामिल कोई नहीं क्योंकि सा दूजा हिस्से दूजे हिस्से भजवाल हैस्े भजवाल होंगे और पिछले जरा ना हाल माल जिम्मेदार जमीदार खाते कोई नहीं

चौरासी हज़ार चो जी बाक़ी त इहो सघो ज़मददार हिसे लैवल जहिड़ी हूंदी आहे उहो इहा ज़िमदार करारह हज़ार उहो मी कपाह लैवल आहे उहो बाद फटा आहे फटे जे बाद जी पंज पंजहठ सौ फटा ते हिकु लठी बधी असां पंजहठ सौ जी उहो बाद शायदि जा छह बोतल आहिनि कलीम कैसरानी विलास जा जेका बकाया हिसा बजदताली हज़ार चार सौ उणंजा रुपए छिताली हजार चार सौ उन्जा रुपए चो दह हजार कोई बकाया वा पिछली वि कणकबन कोई नवे हजार हाई अस्सी हजार दिता से डा हजार बकाया रह गया कलीम कैसरानी विलास का बकाया हिस्सा वाल बजते ने छत्ती हजार चार सौ उन्जा रुपया काश किते थे बाद कपार आई से ओह मेहनत की दी से उन्दे ते नहीं दी रात की टेंशन की दी से, हर कम कि मेरे बजवाल कि मैं इन कंधे कंधे नद किस्मती है साह ते चीज जान दे कि इन्हें जो हिक हिक फिगर फैक्ट है और बिल्कुल राइट है और साकू सिर्फ आप बच्चे ने मारका छतरी हज़ार छी कुमां जो बाकी इथाओ तुस अंदाजा ला सकते हो कितनी ज्यादा साडा जरा काश्तकार है मजदूर भी परेशान रह गए इस मौके पे कि जो किसान की हालत है वो बहुत ही नास कपास मार गए सा रेट सरकारी रेट हालांकि पचासी सौ आसा कोई भी कपाह पचासी सौ नहीं बेची क्यों नहीं बेची इतना जे कपाह रेट रह गए सात हजार बहत्तर सौ इकहत्तर सौ और छिहत्तर सौ बहु ही एक नाजुक सूरत हाल है किसान दी दिलाग के ज़रिए मैं आज बजाते ख़ुद क्योंकि हिसाब किताब की थे मैं कि अपने दोस्तों नाल शेयर करा और ये हमारी जो आवाज़ है इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाएगी पूरे मुल्क में जाएगी और आप तमाम दोस्तों ने ये हमारा जो आ, ये हमारी जो परेशानियाँ हैं या ये जो हालात हैं ना ये आपने शेयर करने हैं ताकि शायद कोई कहीं कोई यार

ਉਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਜ ਅਜਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 84 ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਬਚਾਈ ਖੜਾ 36000 ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਬਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਚੀ ਸਜਲੇ ਬੇ ਤਰਾਚ ਕੁਮਾ ਬਹਿ ਰਹਾ ਹਾਸ ਨਾ ਜਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ حساب ਕਰੇ ਸੂ ਅਸਾਂ ਕਿਥਾਈ ਮੈਨੇ ਸਜ ਗਾਇਆ ਵਦੇ ਹੂ ਮੈਨੇ ਸਪਤੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੇਸੀ ਅਗਲੇ ਮੈਨੇ ਤੇ ਚਾਹਤ ਹਾਂ ते खुदा तला के लोग बाबा दुआ कर मुश्किल परेशानियां जहाँ दूर कर <laughs> भाई भाई हमारा विलॉग रहा है अभी हम लोगों ने ये देखे जी हमारा ट्रैक्टर भी आया हुआ है और हमने जी प्याज अपना फसल काश्त करना था तो उसके लिए हल लगाने थे लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है चूंकि तो अभी हम हल नहीं मार रहे अभी हम थोड़ा वेट करते हैं अगर बारिश और मतला ये साफ़ हो जाता है तो फिर हमें ये एक क्या चाहिए रूटर रूटर फिर हम लोग जी ये रूटर शूटर मारते हैं ताकि रकबा साफ हो जाए फिर कल परसों ये देखें जी मेरे चाचू लोगों के ये प्याज वगैरह भी हुए हुए हैं फिर हमने भी इसी तरह प्याज काश करने हैं ताकि जी जो निज़ाम है वो थोड़ा बहुत सब्जी का भी चलता रहे और बचत के तो हालात आपके भी सामने हैं इन आपने हमारे भी के साथ जुड़े रहना है और बिया क्या? क्या करने क्या विलाग नाल जुड़े रहने बिया क्या करने क्या करने ओए यार बिया सब्सक्राइब करने घंटी दा बटाने फॉलो होए कमेंट दे 100 चीज है काका कहीं नहीं दूंगा करने के द्वारा